हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर से स्वागत है कि नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि हमारे कॉल को कोई सुन रहा है तो उसे हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपके कॉल को बहुत लोग सुन रहे हैं लाइव, जब चाहें जब भी चाहें वो सुन सकते हैं आपके कॉल को। तो उसको बंद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि दोस्तों यदि नहीं बंद करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सिर्फ ये वीडियो आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो बनने वाला है, तो आप इसे 2 से 3 मिनट वेट कर लीजिए और आप जान जाएंगे कि आपके कॉल को कौन कौन सुन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल का आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत से एप्लीकेशन मेरे जितने भी फ़ोन में अपलोड हैं और जिन्होंने मुझसे ऐप का यानी माइक का परमिशन मांगा है वो सारा दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जियो टीवी मांग रहा है मुझसे, लेकिन यहाँ पर जो टोटल सर्विस उन्होंने 25 एक्टिवेट कर चुके हैं और मीडियम इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको यहाँ पर देखिए एक्टिव सर्विस दिखता है, यहाँ पर 1, 2, 3 होता है, तो आपको यहाँ पर बंद करना होगा आपके माइक्रोफोन को इस एप्लीकेशन से, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। देखिए YouTube भी देखिए यहाँ पर ऐप का परमिशन ले चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखिए डेटा भी 218 के भी सेंड कर चुकी है YouTube को, लेकिन एक्टिव सर्विस अभी एक भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और 2 MB के डेटा रिसीव कर चुके हैं। और दोस्तों देख सकते जो रेड कलर का आपको ज़्यादा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ज़्यादा हाई रिस्क होगा, क्योंकि गूगल ने यहाँ पर एक सर्विस को एक्टिवेट कर दिया, इससे आपको परेशानी हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है हाई रिस्क, नहीं आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको इसके जो माइक्रोफोन से बंद करना होगा। और देखिए दोस्तों कई ऐप है जो नहीं परमिशन मांगते हैं आपसे, देखिए जैसे कि ओपन कैमरा, ओपन कैमरा बहुत फेमस है, देखिए ये सेफ है, इन्होंने कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं किया, एन ए कुछ भी नहीं है, सब नीलवटा सन्नाटा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जाकर आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा माइक्रोफोन ब्लॉकर, उसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसे सिंपली आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी माइक्रोफोन अनब्लॉक्ड है। तो आपको चेक करना कैसे है, तो यहाँ पर 3 अंडरलाइन देख रहे हैं, इस पर जाइए, यहाँ पर जाएंगे ऐप विद परमिशन को यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपसे परमिशन पर हाई रिक्वेस्ट कर रहा है, जो भी ऐप यूज करें आपके माइक्रोफोन को, उसे बंद करना होगा। तो बंद कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो माइक्रोफोन का आइकन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही टच करेंगे देखिए ये हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है, तो यहाँ पर टच करना है सिर्फ। चलिए हम यहाँ पर टच करके इसे ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है, इस कारण से यहाँ पर ब्लॉक नहीं हो रहा है, लेकिन आप जैसे ही इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन सोन लगा और जो माइक्रोफोन इस पर क्रॉस करने से आ जाएगा। और देखिए माइक्रोफोन अनब्लॉक्ड, यहाँ पर लिखेगा ब्लॉक्ड, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। और इस तरह से आप जो भी आपके फ़ोन में ऐप है उसको कोई भी को आपके जो माइक का जो परमिशन नहीं मिलेगा, और इस तरह से आप सेफ रहेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे कुछ भी इस वीडियो में गलती हुआ तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीडबैक देख कर इसे इम्प्रूव करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।